भारत में आप पुलिस को खाकी वर्दी में हमेशा देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोलकाता जाते हो तो वहां आपको पुलिस सफेद वर्दी में देखने को मिलती है। तो आपने कभी सोचा है कि सारे देश की पुलिस खाकी वर्दी पहनती है तो कोलकाता की पुलिस सफेद यूनिफॉर्म क्यों पहनती है? देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी खाकी वर्दी पहनते हैं, लेकिन कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी होने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस सफेद वर्दी पहनती है। ऐसा क्यों है, जान लेते हैं। देखिए, कोलकाता पुलिस के ड्रेस कोड के पीछे एक इतिहास है। इसके पीछे अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कोलकाता पुलिस का निर्माण 1845 में हुआ था और उस वक्त हमारे भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो ब्रिटिश शासन ने ही इस यूनिफॉर्म को चुना था। ब्रिटिश हुकूमत तो चली गई, लेकिन उनके कुछ नियम आज भी हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है कोलकाता पुलिस की सफेद वर्दी। अंग्रेजों ने ही कोलकाता पुलिस के लिए सफेद वर्दी का चुनाव किया था। दरअसल कोलकाता समंदर के करीब होने की वजह से काफी गर्मी होती है और इस वजह से अंग्रेजों ने पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग चुना, ताकि सफेद यूनिफॉर्म से सूरज की धूप का परावर्तन हो और पुलिस को ज्यादा गर्मी ना लगे। पश्चिम बंगाल के पुलिस का निर्माण कोलकाता पुलिस के बाद 1861 में हुआ था और पूरे भारत की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है उसी यूनिफॉर्म को पश्चिम बंगाल ने भी अपनाया है। पश्चिम बंगाल की सरकार कोलकाता पुलिस के वर्दी में वगैरह दखल अंदाज नहीं करती है। तो आपको पता चला होगा कि कोलकाता की पुलिस सफेद वर्दी क्यों पहनती है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।